पुणी डबल इंजन सरकार कथा दोहराइले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बरगढ़ बलांगीर और कंधमाल माराथन निर्वाचन प्रचार करते प्रथम थर डबल इंजन सरकार बीजेपी शपथ ग्रहण उत्सव को निमंत्रण करने को आसी डबल इंजन सरकार भोट देवाक मोदी अपील कर श्रीमंदिर रत्नभंडार प्रसंग उठाई बीजेपी सरकार गठन कले रत्नभंडार प्रसंग को प्राथमिकता दिजाव ओडिशार समस्त 21 सीट रे सांसद प्रार्थी को विजय करने को अपील कांग्रेस उपरे बड़ हमला करथर एनडीए 400 पार कर सब पुराणा रेकर्ड भांग कांग्रेस 50 रु कम आसन सीमित रही दृढ़ोक्ति बाढ़ी मोदी पाकिस्तान पाखे परमाणु बोमा थी कांग्रेस देशवासी को डराउछि बोली मोदी कहते ओडिशा के आप सभी लोगों के लिए ये चुनाव बहुत अहम है। विकसित ओडिशा विकसित भारत के संकल्प के लिए आपका हर वोट जरूरी है। आपका एक वोट यहां डबल इंजन की बीजेपी सरकार बनाएगा और उड़ीसा में पहली बार डबल इंजन सरकार बनने वाली है। उड़ीसा रे प्रथम थर हैव अ डबल इंजन सरकार। इसलिए उड़ीसा से आपको 21 के 21 भाजपा के सांसद दिल्ली भेजने हैं। ये कांग्रेस के शहजादे आए दिन बनायनबाजी ठोक रहे हैं। आप उनके 2014 के चुनाव के भाषण देख लीजिए, 2019 के चुनाव भाषण देख लीजिए और 2024 के चुनावी भाषण देख लीजिए। वो ही स्क्रिप्ट पढ़ते जा रहे हैं और अभी चैलेंज कर रहे हैं। आप लिख के रखिए मेरे देशवासियों, हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। भाजपा अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ करके ज्यादा से ज्यादा सांसद के साथ आने वाली है और कांग्रेस वाले ये भी लग ले कि इस चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा की कुल संख्या के 10% चाहिए माननीय विपक्ष मंडे के लिए। कांग्रेस वाले जरा कान खोल करके सुन लीजिए, ये देश ने तय किया है। ये 4 जून को आप देखेंगे कि कांग्रेस इस देश में मान्य विपक्ष भी नहीं बन पाएगा, वो 50 से नीचे सिमटने वाले हैं।